Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Saman Stunning Styles. आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जो ज्वेलरी कलेक्शन है उसका पार्ट 5 दिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको अपने नेकलेसेस और पेंडेंट्स दिखाऊंगी. सो लेट्स बिगिन. अच्छा, जितने भी मेरे नेकलेसेस और पेंडेंट्स चेन वगैरह हैं ना, वो मैंने उनके पैकेट्स में एक शॉपर में डाला हुआ है, क्योंकि आई कुडंट फाइंड ए बिग इनफ कंटेनर जिसमें मैं अपने सारे नेकलेसेस और पेंडेंट्स एक साथ रखूँ. तो आई विल शो यू ऑल ऑफ देम वन बाय वन नाउ. सबसे पहले ये वाला पेंडेंट है, इसके साथ वो मैंने आपको पेयर ऑफ इयर रिंग्स दिखाए थे दैट लुक एग्जैक्टली लाइक दिस. और ये पेंडेंट और वो इयर रिंग्स का जो सेट था वो मुझे मामू ने ला के दिया था दुबई से. उसके बाद फिर ये नेकलेस मैंने बीच ट्री से लिया था. ये डार्क गोल्ड, इस पे रोजेज हैं और ये सिल्वर उन्होंने स्टोन्स लगाए हुए हैं, और ये ब्लू एंड पर्पल स्टोन्स भी हैं लाइक दिस. नेक्स्ट ये नेकलेस है, ये मैंने बीच ट्री या लाइम लाइट से लिया था. ये 3-लेयर चेन नेकलेस है. उसके बाद ये नेकलेस है, ये मुझे मेरी मामा की फ्रेंड ने गिफ्ट किया था जब मैं इंग्लैंड में थी. नेक्स्ट ये नेकलेस है बीच ट्री से. ये एक लॉन्ग नेकलेस है सिल्वर ग्रेश कलर में, उसके अंदर ये सिल्वर वाइटिश सिल्वर बीड्स हैं. उसके बाद ये क्लियर सिर्फ इंग्लैंड में मैंने लिया था. थ्री चेन नेकलेस, उसके ऊपर ये ट्राइंगल्स हैं, ये डार्क गोल्ड में है. ये 3 लेयर्स का नेकलेस है, ये बड़ी लेयर फिर ये छोटी और फिर उससे छोटी. उसके बाद फिर ये पेंडेंट मुझे मेरे खाला ने गिफ्ट किया था ईद पर. उसके बाद ये चेन मुझे मेरी मम्मा की फ्रेंड ने गिफ्ट की थी पाकिस्तान में, ये टेसोरो से है पेंडेंट सिल्वर ग्रे शेड में, उसके यहाँ पे बीड्स लगे हुए हैं और बीच में अल्लाह लिखा हुआ है. उसके बाद ये ग्रीन कलर का नेकलेस मैंने गेट यू वाले ऐप से लिया था, जब मैंने वो रिंग्स और वो मैंने जो इयर रिंग आपको दिखाया था मेरी जो इयर रिंग्स की कलेक्शन में, जो मैंने गेट यू से लिया था उसके साथ मैंने ये नेकलेसेस भी लिए थे. तो उनमें से एक ये नेकलेस है. उसके बाद ये नेकलेस मुझे मेरी खाला ने गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर. ये नेकलेस बहुत प्यारा लगता है अगर आप इसको किसी प्लेन शर्ट के ऊपर या प्लेन कमीज के ऊपर अगर आप इसको पहनते हैं पिंक ड्रेस के साथ, या लाइक गोल्डनिश टाइप शर्ट या ड्रेस के ऊपर. उसके बाद ये नेकलेस है, ये मैंने बीच ट्री से लिया था. ये ऐसा है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं इसकी. उसके बाद ये वाला नेकलेस है, ये 4 चेन वाला नेकलेस है जिसके ऊपर ऐसे डिजाइन है, और ये इसके साथ ये वाले इयर रिंग्स है. उसके बाद ये चोकर टाइप नेकलेस है, ये मुझे मेरी मामा की फ्रेंड ने गिफ्ट किया था इंग्लैंड में. ये सिल्वर वाइटिश टाइप नेकलेस है. उसके बाद ये नेकलेस है, ये मुझे मेरे खाला ने गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर. उसके बाद ये नेकलेस और इसके साथ के जो ये इयर रिंग्स है, ये मैंने गेट यू के ऐप से मैंने ये लिए थे. ये डबल लेयर नेकलेस है पर्ल्स टाइप का, और ये इसके इयर रिंग्स है. इस तरह का इसका इयर रिंग दिखता है. उसके बाद ये प्यारा सा नेकलेस मैंने सफायर क्लोथिंग ब्रांड से लिया था, ये नेकलेस बहुत प्यारा लगता है. उसके बाद ये नेकलेस मैंने लिया था गेट यू के ऐप से,
इस पे ये सिल्वर वाइट पर्ल्स भी लगे हुए हैं और इस पे ये जेम्स भी लगे हुए हैं, उन्होंने लगाए हुए लीफ की टाइप डिजाइन के ऊपर। इस नेकलेस को मैं अक्सर एज अ चोकर भी पहनती हूँ, जो गले के साथ पहनते हैं। उसके बाद ये नेकलेस मुझे मेरी मामा की फ्रेंड ने गिफ्ट किया था ईद पर। ये चोकर है और ये ऐसे दिखता है, उसके नीचे ये वाइट सिल्वर पर्ल्स और ये अंदर इन्होंने मिरर लगाया हुआ है। ये चोकर है, इसको आप एज अ चोकर भी पहन सकते हैं या आप इसको एज अ लॉन्ग नेकलेस भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये एलिगेंट सा प्यारा नेकलेस है पर्ल्स वाला, ये इसके साथ का ब्रेसलेट है। इसके साथ के इयररिंग्स जो थे वो मैंने आपको अपने इयररिंग्स की कलेक्शन में दिखाए थे, वो भी सिल्वर और ब्लैक, और बीच में ये बीड्स वाला जो पार्ट है वो आता है। ये भी मुझे मामा के फ्रेंड ने दिया था। उसके बाद ये एक और पर्ल्स का नेकलेस है, ये मैंने पाकिस्तान से लिया था। उसके बाद ये एक ब्लैक कलर का नेकलेस है, ये मैंने गेट यू के ऐप से लिया था। आप इसको एज ए लॉन्ग नेकलेस भी पहन सकते हैं या आप इसको लाइक गले के साथ लगा के भी पहन सकते हैं, नॉट एज अ चोकर लेकिन वैसे गले के साथ टच करके। और ये तो से डिफरेंट है, ये चेन वाला नहीं है, ये रिबन से मैंने बांधना होता है नेकलेस, और ये पीछे से वजह से इसके ऊपर लगा हुए कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर ये उन्होंने लाइक जेम्स लगाए हुए हैं। ये है ब्लैक, पता नहीं यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट क्यों आ रहा है। उसके बाद ये दोनों ये नेकलेसेस और इनके साथ जो ये इयररिंग्स हैं, ये मेरे मामू लेके आए थे दुबई से, ये ब्लू और गोल्डन वाला है। ये इसके इयररिंग्स और ये पिंक वाला और गोल्डन, और ये इसके इयररिंग्स। उसके बाद ये जो सेट है जिसमें टू पेंडेंट्स वन रिंग एंड टू पेयर्स ऑफ इयररिंग्स, ये मुझे मामू ने ला के दिया था दुबई से। और उसकी चेन काफ़ी डार्क ब्राउन हो चुकी है, पहले गोल्डन थी, लेकिन क्योंकि उसका पेंडेंट ठीक है, एक ये चेन और एक ये स्टार वाला चेन, तो मैं इसलिए पहन लेती हूँ। और ये इसकी इयररिंग्स है और ये रिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये नेकलेस बीच ट्री से लिया था। उसके बाद नेक्स्ट ये नेकलेस और इसके जो ये इयररिंग्स हैं, ये मैंने गेट यू के ऐप से लिए थे। इसमें ये सिल्वर पिंक पर्पल पर्ल्स लगे हुए हैं और इन्होंने वाइट कलर के जेम्स भी लगाए हुए हैं, और इयररिंग्स पे भी ऐसा ही है। उसके बाद ये लंबा सा जो नेकलेस है, ये मैंने एक आइलैंड है वहाँ पे हम लोग गए थे, नॉन एज आइल ऑफ वाइट, ये वहाँ पे हम लोग एक म्यूजियम गए थे, डायनासोर रिलेटेड म्यूजियम थी, तो वहाँ से मैंने ये रेड नेकलेस लिया था। उसके बाद ये पिंक नेकलेस बटरफ्लाई वाला, ये मैंने इंग्लैंड से लिया था। उसके बाद ये लंबा सा नेकलेस जो मैंने उसे फोल्ड सा किया हुआ है, ये मैंने इंग्लैंड से लिया था एक्सेसराइज से, काफी लंबे है इसे मैं इसको डबल करके पहनती हूँ। इसके अंदर ये मरून ब्लू बीड्स हैं और बीच में ये गोल्डन प्लेटेड है लाइक दिस। उसके बाद नेक्स्ट ये नेकलेस है, ये भी इंग्लैंड से लिया हुआ है। उसके बाद ये नेकलेस है, ये भी मैंने गेट यू के ऐप से लिया था। ये रेड है नेकलेस और इसके अंदर सिल्वर वाइट जेम्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट ये सिल्वर गोल्डन चोकर है जो मैं मोस्टली शादी पे पहनती हूँ, इस तरह लगता है क्लोज अप। उसके बाद ये एक और नेकलेस है जो मैंने गेट यू के ऐप से लिया था, ये क्लोज अप। ये जो सिल्वर लगे हुए हैं ये पर्ल्स, ये सिल्वर लाइट पिंक कलर में, और इसके सराउंडिंग में भी सिल्वर पर्ल्स और ग्रेयश भी वो जेम्स लगाए हुए हैं।
उसके बाद जो ये नेकलेस है उसके साथ इयररिंग्स, ये भी मैंने गेट यू से लिए थे, ये ब्लू और रॉयल ब्लू, डार्क ब्लू और गोल्डन मिक्स, ये है नेकलेस एज वेल एज इयररिंग्स, ये इस तरह दिखते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग नेकलेस, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, ये फ्लावर बना हुआ है और ये लॉन्ग स्टैंड्स गोल्डन प्लेटेड। उसके बाद ये थ्री लेयर्स पर्ल्स वाला नेकलेस मुझे मेरे मामू ने ला के दिया था दुबई से, ईच लेयर के अंदर एक पर्ल है जो लाइट पिंक कलर का, बाकी सिल्वरिश कलर के हैं। नेक्स्ट ये नेकलेस है, ये भी मेरे खाला ने मुझे दिया था, ये लॉन्ग नेकलेस है और इसके साथ के इयररिंग्स भी हैं, जो मैंने आपको अपने इयररिंग्स के कलेक्शन में दिखाए थे, जिसकी तरफ पर्पल राउंड लॉन्ग इयररिंग्स थे। जो मेरे लॉन्ग नेकलेसेस होते हैं मैं उनको ना टेप लगा देती हूँ लाइक दिस, ताकि फिर जब उनको खोलो तो फिर वो आसानी से खुल जाते हैं, वरना फिर वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं, फिर वो काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है। अभी भी कभी लाइक वो फिर भी एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं जो लेयर्स हैं, लेकिन इट्स ईजियर एटलीस्ट खोलना। उसके बाद फिर एक ये चेन है, इसके अंदर ये है, ये पेंडेंट है। उसके बाद ये आउल वाला पेंडेंट है जो मैंने क्लेयर से लिया था इंग्लैंड में। उसके बाद ये एक और पेंडेंट है जो मैं मामू लेके आया था दुबई से, इस पर हार्ट और फ्लावर बना हुआ है, वाइट कलर के जेम्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये एक लॉन्ग रेड नेकलेस है, रेड और गोल्डन, ये मुझे मामा ने ला के दिया था एक्सेसराइज से इंग्लैंड में। उसके बाद ये नेक्स्ट ही पेंडेंट और ये इयररिंग्स, ये मैंने चेज अप से लिया था जब मैंने उसके बाद में गई थी, तो मैंने आपको अपनी जो इयररिंग्स की कलेक्शन थी उसमें जो इयररिंग्स दिखाए थे जो मैंने चेज अप से लिए थे, ये मैंने उनके साथ लिया था। ये मुझे 500 रुपीस का मिला था, मैंने लिया था। उसके बाद ये चेन इस तरह इस पर डिज़ाइन है, ये गोल्डन और ब्लैक में, और इसके साथ ये इयररिंग्स, उसके साथ ये इयररिंग्स हैं, ये बड़े इयररिंग्स, ये मुझे मेरे खाला ने गिफ्ट किए थे ईद पर। एंड गाइस ये रही मेरी आज की नेकलेस और पेंडेंट की कलेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। I will see you in my next video. Allah Hafiz.